बगोदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बेको पूर्वी इस पंचायत के ग्राम गोपाल डीह में मैं इस समय खड़ा हूं। मेरे साथ इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया टेकलाल चौधरी हैं, साथ में इस पंचायत के ग्रामीण महिला और पुरुष उनके समर्थक यहां पर खड़े हैं। आइए निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी से बात करें, जिनकी पत्नी तारा देवी इस बार इस पंचायत से मुखिया चुनाव लड़ रही हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं चैनल को नमस्कार करता हूं कि आपने उतना दूर से आकर के जनताओं का रुझान और प्रत्याशी का रुझान लेने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने इस पंचायत के एक सम्मानित प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए, धन्यवाद आपका भी। पिछला जो कार्यकाल आपका रहा, संक्षेप में जानना चाहेंगे, काम करने में कितना सफल रहे आप? जब से लगातार मैंने 2010 से लेकर 2022 तक मुखिया रहा और मेरा क्रियाकलाप में इस पंचायत का, बेको पूर्वी पंचायत का, हर टोले मोहल्ले में PCC, नाली, चापाकल, और जिस चापाकल से लोगों का अधिक संख्या हो जाती थी, 40-50 घर हो जाता था, वैसे जगह में जलमीनार लगाने का काम किए। चाहे वह मस्जिद में नाली बनाने का सवाल हो, जलमीनार लगाने का सवाल हो, ईदगाह मैदान में चापाकल लगाने का सवाल हो, PCC हो, मंदिर में आपका चबूतरा हो, फाइबर ब्लॉक हो, इत्यादि हर गाँवों में जो छोटे छोटे गाँव थे, जो टोले मोहल्ले थे, मैंने सभी जगह में काम करने काम किया। लेकिन एक सवाल है कि आप देखेंगे कि देश आज़ाद होने के बाद भी कुछ ऐसे गांव थे, ऐसे टोले थे, जैसे कंदैया टाण है, आज तक वहां रोड नहीं था, लेकिन जब मैं मुखिया जब बना तो वहां पर रहती प्लॉट में वहां के किसानों को बैठा करके रोड बनाने काम किया। जैसे कि हरिजन टोला गोपाल से गंधनिया तक रोड नहीं था, वहां पर भी बैठा कर रोड निकालने का काम रहती प्लॉट में किया। और जनता का मैं आभार हूँ कि आप लोगों ने हमेशा सहयोग किया, और जनता का जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, इत्यादि जो भी योजनाएं हैं, चाहे आपका मोहर कहाँ लगेगा, आपका मुखिया कैसा हो, तारा देवी कैसा हो। आपने अच्छे काम किए, पंचायत का सर्वांगीण विकास हुआ, महिला आरक्षित सीट होने के कारण इस बार आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही। आपकी पत्नी का बतौर मुखिया प्रत्याशी प्रमुख जो चुनावी मुद्दा है वो क्या है? एक्चुअली चुनावी मुद्दा है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना पहला मेरा प्राथमिकता होगा। दूसरा सवाल है, जो मैं 90% तक विकास कर चुका हूं, जहां छूटे हैं उसको संपूर्ण ढंग से विकास करना। और इस बार मेरा मुद्दा एजेंडा है कि छोटे छोटे महिलाओं को एक समूह बना करके उद्योग के रूप पर उन आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का मेरा एक सपना है। क्या चुनाव चिन्ह है आपकी पत्नी का? मेरी पत्नी श्रीमती तारा देवी है, उनका क्रमांक संख्या 1 है और इनका चुनाव चिन्ह सेव छाप है। पंचायत चुनाव के तहत मतदान की तिथि बहुत नजदीक है, पंचायत की जनता आपको सुन रही है, आपके साथ खड़ी है, क्या आग्रह करना चाहेंगे बतौर मुखिया प्रत्याशी आप अपनी पत्नी के लिए पंचायत वासियों से? मैं जनताओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वो जिस तरह से मैंने अपने 2010 से लेकर 2022 तक हर घड़ी में दुख हो, सुख हो, या कोई आफत हो, विपत हो, उस घड़ी में मैंने जनता के बीच आया हूँ। और जनता से हाथ जोड़ के पुनः फिर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने सेवा देने का काम किया, निश्चित तौर पर मेरी पत्नी धर्म पत्नी को, तारा देवी को, क्रमांक संख्या 1 में और चुनाव चिन्ह से छाप पर हमारे यहाँ के ग्रामीणों ने अधिक से अधिक मत देने का काम करेंगे। मैं अपील और विश्वास के साथ जनता से अपील करने हैं, हाथ जोड़ी विनती करने हैं, आप मुझे वोट करें। जिस तरह आपका बेटा टेकलाल चौधरी खड़ा उतरा है, तो मेरी भी पत्नी आपके बीच में खड़ा उतर के संपूर्ण क्षेत्र का विकास करेगी। टेकलाल चौधरी जिंदाबाद, 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 तारा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका मोहर कहाँ लगेगा, आपका मोहर कहाँ लगेगा? हमारे साथ बगोदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बेको पूर्वी के निवर्तमान मुखिया एवं वर्तमान मुखिया प्रत्याशी के पति टेकलाल चौधरी जुड़े थे। अपने पंचायत के ग्राम गोपाल डी के काफ़ी संख्या में समर्थकों की उपस्थिति में यहां पर इनसे बातें हो रही थी। पत्नी की दावेदारी जो है वो काफ़ी मजबूत है, जैसा कि ये कह रहे हैं, और उनका जो मुख्य चुनावी मुद्दा है उनसे भी हमको अवगत करवाया, हम सभी को अवगत करवाया। आने वाला समय बहुत जल्द ये तय कर देगा कि इस पंचायत की जनता के दिल में कौन है।
आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास किया जाता है कि इस पंचायत की जनता जो कि पढ़ी लिखी सम्मानित और जागरूक है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है, सही निर्णय लेगा जब सही समय आएगा। 27 मई के दिन मतदान करते समय इस पंचायत की जनता केवल और केवल सभी उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के पक्ष में ही अपना मतदान करती हुई नजर आएगी। धन्यवाद। मैं इस समय गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बेको पूर्वी के टोला गोपालडीह में हूँ। पंचायत चुनाव 2022 के तहत चौथे चरण में बगोदर प्रखंड के अंतर्गत सभी पंचायतों में मतदान होना है। आज 24 मई का दिन है। हमारे साथ इस टोला जिसका नाम गोपालडीह है कि ग्रामीण यहाँ पर काफी संख्या में है, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, महिला और पुरुष, वृद्ध, युवा, सभी वर्ग के लोग हैं। गोपाल डी टोला के लोग हमारे साथ हैं। पंचायत बेको पूर्वी है। आइए पंचायत चुनाव 2022 की उत्सुकता इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फलजीत साहब। फलजीत जी, पंचायत बेको पूर्वी की अगर बात की जाए 2010 से अभी तक विकास कितना हो पाया, क्या क्या यहाँ पर विकास हुआ और क्या कमी रह गई? देखिए, मेरा बेको पंचायत में मुखिया जी टेकलाल चौधरी बहुत अच्छे काम किए, और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि हर टोला में पीसीसी, चापाकल और आपका तालाब का घाट, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि उसके माध्यम से छूटा है। हमारे बेको पंचायत के पूर्वी में टेकलाल चौधरी बहुत अच्छे काम किए और कर भी रहे। निवर्तमान मुखिया टेकलाल चौधरी ने अच्छा काम किया है। हमारे साथ एक विकलांग बाबा है, क्या नाम है आपका? जानकी रजक। क्या आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिलता है, वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन? हाँ, हमें मिलता है। मिलता है। मुखिया जी का काम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हमारे साथ यहाँ और काफी का नहीं हो रहा है तो मुखिया जी बोले हैं कि अगर होगा तो हम करा देंगे। चलिए, आशा करते हैं कि मुखिया जी जब जीत के आएंगे हर काम, तो फिर वो काम कर देता है, हर काम में साथ देते हैं। आप हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। महिलाएं यहाँ पर हैं। माता जी नमस्कार, आप से जानना चाहेंगे बेको पूर्वी पंचायत में जो काम हुआ है और खास करके जो गोपालडीह टोला है, इसमें विकास हुआ है कि नहीं? हाँ, हो गया। काम हुआ है। हाँ, पंचायत में जो नहीं है सो होगा। होगा। क्या आप लोगों को किसी तरह का कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है? कॉलोनी पेंशन? हाँ, कुछ मिलता है? हाँ, पेंशन अभी एज नहीं हुआ है। हाँ, आप बताइए क्या लगता है, पंचायत का विकास हुआ या कोई दिक्कत है? नहीं सर, नहीं दिक्कत है। दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। बार बार कैसे मुखिया जी सब कर लेगा। मुखिया जी सब करेंगे। पंचायत चुनाव होने वाला है, कौन बनेगा अगला मुखिया ग्राम पंचायत बेको पूर्वी का, बताएं? बनेगा टेकलाल चौधरी। टेकलाल चौधरी फिर क्यों बनेंगे? उसको पत्नी है। उनकी पत्नी है। क्या नाम है उनका? तारा देवी। तारा देवी। तारा देवी आपकी फेवरेट है, क्यों? यही सब काम करती है।